Welcome to Surmount Global School. यहाँ पर बच्चों को साइकिल खड़ी करने के लिए जगह दी गई है और साथ ही साथ पार्किंग की भी बहुत ही अच्छी सुविधा उपलब्ध है। Now let's see inside. This is our computer lab. यह हमारा कंप्यूटर लैब है जहाँ बच्चों को कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए सिखाया जाता है उनके अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये आपका कोऑर्डिनेटर ऑफिस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लेग्राउंड है स्कूल का, बहुत ही यूज प्लेग्राउंड है। ये छोटा सा एक फाउंटेन है, बच्चों को यहाँ पर बच्चे मज़े करते हैं। छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं सर ये पानी कहाँ से आता है, तो एक किस्म से उनके अंदर जो है क्रिएटिविटी आती है। ये देख सकते हैं आप, जैसा कि इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, प्राकृतिक रूप से प्रकृति की गोंद में बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं। खेलने के सारे संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं, जैसा कि अभी आप यहाँ पर एक स्विंग देख सकते हैं, झूला है, ऐसे ही बहुत सारे झूले हैं, अभी आपको दिखाया जाएगा। ढेर सारे झूले हैं, घोड़ा है, हॉर्स है, स्लाइडर है, जिक्सा है, ट्राईसाइकिल है। क्लासरूम जो भी हैं आप देख सकते हैं, दे आर वेरी गुड एयरी क्लासरूम, एयर वेंटिलेशन इज़ वेरी गुड। दे आर सो मैनी विंडोज़ और गिवन, बहुत सारी खिड़कियाँ दी गई हैं और साथ में ही LED दी गई है जिसमें बच्चों को जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है, वट एवर इज़ टॉट बाई द बुक्स द सेम इज़ सोन ऑन द वीडियो, उसको वीडियो से भी दिखाने से क्या होता है, बच्चे उसको आसानी से समझ सकते हैं, ग्रैस्प कर सकते हैं। इस क्लासरूम में भी देख सकते हैं LED TV लगी रहती है, हर क्लासरूम में हमको ऐसी ही व्यवस्था आपको मिलेगी। साथ ही ये देख सकते हैं बच्चे इसमें मौज मस्ती करते हैं, लर्न विद फन करते हैं। सो ऑल द प्लेइंग इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल इन द स्कूल। ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं कैसे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। हियर यू कैन सी ऑल्सो सम मोर प्लेइंग इक्विपमेंट्स खेलने के, जिसमें बच्चे इंजॉय करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, मौज मस्ती करते हुए। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि बड़े बच्चों के लिए खेलने के लिए अलग जगह दी गई है और छोटे बच्चों को अलग दी गई है, जिससे कि आपस में झगड़ा न करें। बहुत सारे गेम कराए जाते हैं, स्पोर्ट कराए जाते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है। बच्चों को यहाँ पर किचन दी गई है जिसमें कि गृह विज्ञान से संदर्भित भी चीज़ें सिखाई जाती हैं, साथ ही साथ बच्चों की सुख सुविधा को ध्यान देते हुए किसी भी ज़रूरत, गर्म पानी की ज़रूरत हो, कभी चाय पिलाना हो, हर तरह की व्यवस्था दी जाती है। इंस्पेक्शन के लिए माइनूटली वॉच किया जाता है, बच्चों को कंपटीशन कराए जाते हैं, जैसे कि भी आप देख सकते हैं इसमें बच्चे जो है कंपटीशन में भाग लेते हैं और इसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के द्वारा बच्चों में आगे बढ़ने की एक किस्म से विचारशीलता आती है, होड़ लगती है। ये सोलर पैनल है, यहाँ पर सोलर पैनल के द्वारा हमेशा 24 आवर्स आपको लाइट मिलती है, लाइट नहीं जाती है। बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से यहाँ पर मैम पढ़ाती हैं और साथ ही साथ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन करती हैं, एक एक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है क्योंकि हर बच्चा अनमोल होता है। जैसा कि अभी हमने बताया हर तरह के प्लेइंग इक्विपमेंट्स हैं, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, हर तरह के स्पोर्ट कराए जाते हैं, क्रिकेट। यहाँ देख सकते हैं मैम किस तरह से एक एक बच्चे को आगे बुला करके उनसे जो है एक्टिविटी करवाती हैं। So this way teaching is called the learning by doing.
बच्चों को डांस के लिए जो है प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर हमारे यहाँ नैंडी सर वो डांस सिखाते हैं, बच्चे जो है स्टेज प्रोग्राम करते हैं, इससे उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आता है बच्चों के अंदर। म्यूजिक के लिए भी फुल सिस्टम हमारे यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा बच्चों को पीटी सिखाई जाती है, किस तरह से पीटी किया जाता है। सो आई रिक्वेस्ट यू डियर गार्जियन, प्लीज कम टू द स्कूल, विजिट द स्कूल, एंड इफ यू थिंक दिस इज द राइट प्लेस फॉर माई चाइल्ड, प्लीज गेट योर चाइल्ड इनरोल्ड इन दिस स्कूल। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम किए जाते हैं, जिससे बच्चों में जो है उत्साह आता है। टीचर्स को भी प्राइज दिया जाता है, गार्जियंस को भी सम्मानित किया जाता है। इसी तरह सेलिब्रेशन कराए जाते हैं, बच्चों का बर्थडे होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, टीचर्स का सेलिब्रेट किया जाता है।